इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो आइए समझते हैं अल्फा डीके। यहाँ पर एक्स न्यूक्लियस है, जहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर एंड ए एटॉमिक मास नंबर। बेसिकली जेड यहाँ पर प्रोटॉन नंबर होता है, और इन सभी रिएक्शंस में, इन सभी डीके में जेड और ए कंजर्व रहते हैं। दैट मीन्स जितने ए और जेड रिएक्शन से पहले होंगे या डीके से पहले, उतने ही बाद में होंगे। तो आइए समझते हैं अल्फा डीके। जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा डीके होता है तो जेड में दो कम हो जाते हैं और ए में चार कम, 2He4, ये होता है अल्फा पार्टिकल। देखेंगे प्लस टू माइनस टू, अभी भी जेड ही है, प्लस फोर माइनस फोर अभी भी क्या है, ये ए है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यूरेनियम 92-238, डीके होता है थोरियम ने, और यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल डीके हो जाता है। अब देखते हैं बीटा डीके। जेड एक्स है, ये न्यूक्लियस है, जैसे ही बीटा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में, सॉरी एटॉमिक मास नंबर में नो चेंज, ए में कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि जेड में एक ऐड हो जाता है जब भी बीटा डीके होता है, जेड प्लस वन। देखेंगे यहाँ पर ये माइनस वन प्लस वन, अभी भी ए और जेड दोनों क्या है, कंजर्व है, ए से एम है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6C14 कार्बन, नाइट्रोजन में चेंज होता है और यहाँ पर ये बीटा डीके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डीके हो जाता है। अब बात करते हैं गामा डीके। तो गामा डीके में ए और जेड में कोई भी चेंज नहीं आता, केवल ही जो एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मल स्टेट में आता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा। ऑलवेज रिमेंबर, गामा रेज अल्फा और बीटा दोनों के साथ में एमिट होता है, अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी। अल्फा और बीटा दोनों कभी भी साथ में डीके नहीं होते, बल्कि अल्फा के साथ भी गामा और बीटा के साथ भी गामा। जब अल्फा डीके होता है तो ये न्यूक्लियस होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब नॉर्मल स्टेट में आता है तब एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा। तो आपको याद रखना है, गामा डीके में ए और जेड में कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर ये स्टार दिखा रहा कि एक्साइटेड स्टेट में है और ये नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में। एग्जाम्पल देख लो, SR3887 नो चेंज और गामा रेज यहाँ पर एमिट हो गई। उसके बाद में ये पॉजिट्रॉन डीके, या फिर इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज डीके। देखेंगे जेड एक्स ए, जब पॉजिटिव यहाँ पर डीके होता है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में एक की कमी और एटॉमिक मास नंबर नो चेंज, यहाँ पर ए में कोई चेंज नहीं होता और जेड में एक की कमी आती है और यहाँ पर निकलता है पॉजिट्रॉन, प्लस वन माइनस वन, अभी भी जेड और ए कंजर्व है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 29Cu64, देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन निकल गया है, कितना हो गया ये 28, और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी कंजर्व है, 29, 28 + 1, 29। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक रिवर्स प्रोसेस है, इन सभी रिएक्शंस में न्यूक्लियस से पार्टिकल, देखेंगे न्यूक्लियस से पार्टिकल, नए न्यूक्लियस बने और यहाँ से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव पार्टिकल, इस तरीके से निकले। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है पास वाली के सेल से इलेक्ट्रॉन को अपनी इनसाइड खींच लेता है, अंदर इन सब में न्यूक्लियस से बाहर पार्टिकल आए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर में के सेल से इनसाइड इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखेंगे जेड एक्स ए, इसमें बाहर से के सेल से इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा और ये सेम। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन और पॉजिट्रॉन की इक्वेशन देखने में सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर हुआ है के सेल से, तो इक्वेशन लगभग सेम सी होती हैं, इफेक्ट सेम होते हैं, लेकिन प्रोसेस अलग है। यहाँ पर न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन आउटसाइड आया था, डीके हो गया, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चला गया के सेल से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 29Cu64, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया न्यूक्लियस में, तब न्यूक्लियस बन गया 28Ni64, देखेंगे 29 - 1 = 28, अभी भी यहाँ पर जेड और ए दोनों कंजर्व हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक खास बात याद रखनी है, तो यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं बीटा निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन। तो जब बीटा निगेटिव होता है तो यहाँ पर ऐड होता है, और बीटा पॉजिटिव होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। बस ये याद रखेंगे तो आपको थोड़ी सिंपल हो जाएगी। थैंक यू।